नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का एचीवर्स आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमने वेद और वेद संबंधित हमने बहुत कुछ जानकारी लिया। हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हमने कुछ जानकारी लिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके भारतीय इतिहास के कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें से एक नाम होगा हमारे प्रभु, हमारे महात्मा बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध का आज का ये क्लास होगा। गौतम बुद्ध के बारे में हम एक कुछ जानकारी लेंगे, उनके जीवन से हम परिचित होंगे और जीवन से परिचित होने के अलावा मैं आपको उनके धर्म और धर्म से संबंधित उनके दर्शन के बारे में भी कुछ विवेचन करूंगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है अचीवर्स आईएएस एकेडमी और मेरा नाम है निमिल तिवारी। चलिए हम शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी बटोरते हैं। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है तो हमको यहां से करीब 2500 साल पहले जाना होगा, जब भारत जो हमारा था वो 16 महाजनपदों पर विभाजित था। मतलब हमारे भारत के अंतर्गत कुल मिला के 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है ये भी पहली बार एक ग्रंथ से हुआ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, 16 महाजनपद की, तो 16 महाजनपद का जो पहली बार उल्लेख है वो एक ग्रंथ से होता है जिसका नाम क्या है, तो अंगुत्तर निकाय। और ध्यान दीजिएगा, जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ की, तो बौद्ध ग्रंथ को हम त्रिपिटक बोलते हैं। इन 3 पिटक में पहला है सुत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। सुत पिटक के कुल मिलाकर 5 निकाय हैं, 5 भाग हैं, जिसमें पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है संयुक्त निकाय, तीसरा है मध्यम निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। तो इसमें जो अंगुत्तर निकाय है, इसी अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों का पहली बार क्या मिलता है, तो उल्लेख मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, 6वीं ईसा पूर्व में जो भारत वर्ष था ये 16 महाजनपदों में विभाजित था। अगर हम बात करेंगे 16 महाजनपदों की, तो 16 महाजनपदों को भी 2 भागों में बांटा गया था। 14 महाजनपद क्या थे, तो राजतंत्र थे, और 2 महाजनपद क्या था, तो गणतंत्र था। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला 14 महाजनपद था और गणतंत्र व्यवस्था वाला 2 था। अब ये रही बात क्या है, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो राजा का पुत्र अगर राजा बनता है तो उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। और वहीं जनता द्वारा निर्वाचित अगर कोई राजा बनता है तो उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, तो गणतंत्र व्यवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार से गणतंत्र व्यवस्था में हमारे पास 2 था, एक था वज्जी संघ और दूसरा था मल्ल गणराज्य। जो मल्ल गणराज्य थी उसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, इसमें एक का नाम था पावापुरी और दूसरा का नाम था कुशीनारा। और वहीं हम बात करें वज्जी संघ की, तो वज्जी संघ में 8 गणों को संयुक्त करके हमने वज्जी संघ का निर्माण किया था। ये 8 गण में जो पहला गण था उसका नाम था रामग्राम के कोली। तो रामग्राम के कोलिये में कोलिये गण है और रामग्राम क्या है, राजधानी है। दूसरा था कपिल वस्तु के सांख्य, तो कपिल वस्तु के सांख्य में सांख्य गण है और कपिल वस्तु उसकी क्या है, राजधानी है। तीसरा था अलकप के बुली, तो बुली यहां गणराज्य है और बुली गणराज्य की राजधानी क्या है, तो अलकप। चौथा है केशपुत के कलाम, तो कलाम गण और केशपुत क्या है, तो राजधानी है। अगला है सुषमगिरी के मग, तो मग यहां पर गण है और सुषमगिरी क्या है, राजधानी है। वैशाली के लिच्छवी, तो लिच्छवी गण है और वैशाली क्या है, राजधानी। और वैसे हमको एक नाम मिलता है मिथिला के विधे, तो विधे जो है वो क्या है, गण है और मिथिला यहाँ पर क्या है, तो राजधानी है। और एक है पिपली वन के मोरिये। तो इस प्रकार से 8 हमारे पास क्या था, गणराज्य थे और इन्हीं 8 गण को एक करके एक संघ का निर्माण हुआ था जिसका नाम क्या था, वज्जी संघ। तो आज की जो हमारी कहानी है वो इसी वज्जी संघ पर आधारित है, वज्जी संघ और मल्ल गणराज्य में। वज्जी संघ जिसमें मैंने आपको 8 गण के बारे में बताया, उन 8 गण में जो 2 महत्वपूर्ण गण हैं उसमें एक था रामग्राम के कोलिये, तो रामग्राम के कोलिये, और दूसरा था क्या, तो कपिल वस्तु के सांख्य, तो सांख्य गण और रामग्राम के कोलिये गण। और ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सांख्य गण और कोलिये गण के बीच में एक अरण्य हुआ करता था जिसका नाम था लुम्बिनी वन। तो एक वन था, एक अरण्य था, एक जंगल था जिसका नाम क्या था, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी जंगल किन गणराज्य के बीच में थी, पहला सांख्य गण और दूसरा कोलिये गण। इसी लुम्बिनी वन और इसी सांख्य और कोलिये गण के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था रोहित नदी। और ध्यान दीजिएगा, ये जो रोहित नदी है
इसी रोहित नदी को लेकर इन दोनों गढ़ों के बीच में हमेशा विवाद होता था। तो विवाद का जो कारण था वो एक नदी थी जिसका नाम क्या था, रोहित नदी। और इसी विवाद को समाप्त करने के लिए इन दोनों गढ़ों के बीच में एक वैवाहिक संबंध होगा, एक वैवाहिक संबंध स्थापित होगा। और ये वैवाहिक संबंध स्थापित किनके बीच में होगा, तो ध्यान दीजिएगा, 6वीं ईसा पूर्व में करीब 565 BC के आसपास सांख्य गण के जो राजा थे उनका नाम था राजा सुदोधन। तो राजा सुदोधन कहां के राजा थे, सांख्य गण के। और वहीं जो कोलीय गण के जो राजा थे उनका नाम था राजा अजन, और राजा अजन की जो पुत्री थी उनका नाम था मां महामाया। तो ध्यान दीजिएगा, जो मां महामाया है और राजा सुदोधन है, इन दोनों के बीच में विवाह संपन्न होगा। और ये विवाह संपन्न होने के बाद ये जो नदी है रोहित नदी, इसका जो विवाद है वो क्या होगा, समाप्त होगा। तो आप ये देख सकते हो कि 565 BC में दो, मतलब 565 BC में सुदोधन और मां महामाया जो कि राजा अजन की पुत्री थी, इन दोनों का क्या होता है, विवाह होता है। और इसी विवाह के बाद इस रोहित नदी का यहां पर जो विवाद है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब ये ध्यान देना हमको कि सुदोधन और जो मां महामाया है, आगे चलकर इन्हीं को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, और वही जो पुत्र हो गए वो आने वाले समय में क्या बनेंगे, तो गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कैसे होता, अब हम ये देखते हैं। तो ये कहानी है 564 BC के आसपास की। 564 BC में एक रात्रि जब मां महामाया स्वप्न देख रही थी, सो रही थी, तो सपने में उनके एक हाथी आते हैं, हाथी जिसके 6 दांत होते हैं। ये सफेद हाथी था, ये सफेद हाथी मां महामाया के तीनों और मां महामाया के 3 परिक्रमा करता है, और 3 परिक्रमा करने के बाद उनके अंदर में वो प्रवेश कर जाता है। इसके बारे में चर्चा करती है वो अपने गुरु से, कौन, तो मां महामाया। उनके जो गुरु होते हैं वो बताते हैं कि आने वाले समय में तुम एक पुत्र को प्राप्त करने वाली हो जो कि बुद्ध होंगे, जिसके बाद 10 महीने के बाद, मतलब 563 BC को, 563 BC के आसपास जब मां महामाया गर्भवती होती है, तो वो अपने मैके की ओर जाती है। मैके की ओर मतलब वो कपिल वस्तु से रामग्राम की ओर जाती है। जब वो कपिल वस्तु से रामग्राम की ओर जाती है तो रास्ते में एक वन पड़ता है जिसका नाम क्या था, लुम्बिनी वन। वैशाख पूर्णिमा का ये दिन था, और लुम्बिनी वन में ही 563 BC को मां महामाया को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो कौन होंगे, तो गौतम बुद्ध होंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो वैशाख पूर्णिमा में हुआ, और कब हुआ, तो 563 BC में, और कहां हुआ, तो कपिल वस्तु के आगे एक जंगल था जिसका नाम क्या था, लुम्बिनी वन। किस नदी के पास, रोहित नदी के पास। तो होता यह है कि मां महामाया चूंकि जा रही थी अपने कहां, मैके, तो वो मैके ना जाकर वो वापस कहां जाती है, कपिल वस्तु। जब कपिल वस्तु वो पहुंचती है तो उनका भव्य स्वागत करते हैं राजा सुदोधन, और राजा सुदोधन अपने पुत्र को देखते हैं, और देखने के बाद उनका नाम रखते हैं, तो क्या, तो सिद्धार्थ। तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। जैसे ही गौतम बुद्ध को जैसे ये नामकरण होता है, तो उसी समय उनके महल में एक महर्षि आते हैं जिनका नाम था महर्षि असित। और महर्षि असित जब उस बालक को देखते हैं, और जब उस बालक का जब पैर, मतलब सिद्धार्थ का जब पैर महर्षि असित के दाढ़ी को जब छूता है, तो महर्षि असित बहुत रोते हैं, और रोने के बाद ये बोलते हैं कि ये जो बालक है, ये बालक आगे चलकर बुद्ध होने वाले हैं, और मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि जब ये बुद्ध बनेंगे तब तक मैं इस धरती पर जीवित नहीं रहूंगा। वो आगे जाकर ये भी बोलते हैं कि या तो ये बालक एक चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा इसकी गति हमको दिखती है कि ये क्या बनेगा, तो एक सन्यासी बनेगा, एक बुद्ध बनेगा। सॉरी, सन्यासी नहीं बोलते, वो बुद्ध बोलते हैं। तो बुद्ध से सुदोधन ये समझते हैं कि मेरा बालक बुद्धिमान बनेगा, और सुदोधन को फिर यहां से कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन महर्षि असित के जाने के बाद फिर से जो राजा सुदोधन है, सुदोधन करीब 8 ब्राह्मणों को अपने महल बुलाते हैं। अब वो 8ों के 8ों ब्राह्मण फिर सिद्धार्थ का भविष्यवाणी करते हैं। में जो 7 ब्राह्मण है वो सभी यही भविष्यवाणी करते हैं कि इस बालक की 2 गति है, या तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो एक ये सन्यासी बनेगा। वही एक छोटा सा एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कौंडिल्य ऋषि, और कौंडिल्य ऋषि ने सभी ब्राह्मणों को चुनौती देकर ये बोलता है कि आप सभी जो ब्राह्मण ये गलत बोल रहे हैं कि
इस बालक का सिर्फ एक ही गति है और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, तो सन्यासी बनेगा। जिसके बाद उस कौंडिल्य ब्राह्मण का इस कथन को सुनने के बाद सुदोधन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सुदोधन हमेशा यही चाहते थे कि उसका जो पुत्र है वो क्या बने, तो एक चक्रवर्ती सम्राट। क्योंकि राजा तो हमेशा अपने पुत्र को राजा ही बनना चाहेगा या राजा ही बनाना चाहेगा, लेकिन कौंडिल ऋषि की ये बात, ये चुनौती, ये भविष्यवाणी सुदोधन को काफी क्या करेगा, परेशान कर देगा। जिसके बाद सुदोधन ये ध्यान रखेंगे कि मेरा बालक सन्यासी तभी बनेगा जब उसको उसके जीवन में कुछ दुख होगा। अगर मैं इसको दुख की अनुभूति ना कराऊं तो ये कभी भी सन्यासी ना बनेगा और ये क्या बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट। तो उसी दिन से राजा सुदोधन ने ये फैसला किया कि मेरा जो पुत्र है ये अब इस महल के बाहर नहीं जाएगा और इसके लिए मैं इसी महल के अंदर तीन अन्य महल बनाऊंगा। ये तीन अन्य महल एक वर्षा ऋतु के लिए होगा, एक गर्मी ऋतु के लिए होगा और एक ठंड, एक सर्दी ऋतु के लिए होगा। और जहां पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का बचपन इन तीन महलों में बीतता है और उनका जो पूरा का पूरा जो बचपन है वो पूरे भोग विलास से व्यतीत होता है, मतलब उनको किसी प्रकार की दुख की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि गौतम बुद्ध बचपन से ही काफी सॉफ्ट नेचर के थे, काफी कोमल स्वभाव के थे, वो कभी भी किसी को भी पीड़ित होते हुए नहीं देख पाते थे। तो दुख की, मतलब दुख के लिए, मतलब सुदोधन ने यह चाहा था कि दुख की इनको अनुभूति ना हो, लेकिन गौतम बुद्ध का जो स्वभाव था वो क्या था, तो बहुत कोमल था, वो बहुत ही आसानी से दुख हो जाते, मतलब दुखी हो जाते थे। नहीं, होता यह है कि बचपन में सिर्फ और सिर्फ उनको सुख मिलता है, भोग विलास से उनका जीवन व्यतीत होता है और 16 वर्ष की आयु में सांख्य गण की ही एक कन्या जिनका नाम था यशोधरा, यशोधरा जिनके बारे में कई ग्रंथों में उनका नाम लिखा गया है बिंबा, तो कई ग्रंथों में उनका नाम लिखा गया है गोपा। तो या तो आप गोपा बोलिए या तो आप बिंबा बोलिए या तो आप यशोधरा बोलिए। यशोधरा ने स्वयंवर रचाया और उस स्वयंवर में उन्होंने अपने पति को चुना, किनको, तो सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में होता है और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। इससे पहले मैं आपको एक चीज और जानकारी देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, जो मां महामाया जब सिद्धार्थ को जन्म दी थी तो जन्म देने के 7 दिन के बाद ही मां महामाया का निधन हो गया था और सिद्धार्थ का लालन पोषण सिद्धार्थ की मौसी प्रजावती गौतमी ने किया था और प्रजावती गौतमी का विवाह फिर आगे चलकर किससे होता है, तो सुदोधन से। और सुदोधन और प्रजावती गौतमी को एक पुत्र और एक पुत्री का आपकी प्राप्ति होती है जिसमें पुत्र का नाम रहता है नंद और पुत्री का नाम रहती है नंदा। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिद्धार्थ है उनकी सौतेले भाई कौन है, तो नंद, और सौतेली बहन कौन है, तो नंदा, और उनका एक चचेरा भाई भी था जिनका नाम था देवदत्त। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का क्या होता है, विवाह हो जाता है किनसे, यशोधरा से। आगे चलकर होता ये कि धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और एक दिन वो अपने सारथी जिनका नाम था छंदक, छंदक को छन्ना भी बोलते हैं कई जगह, तो नाम क्या है, तो छंदक, और उनके घोड़े जिनका नाम क्या था, कंथक। तो सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक को बोलते हैं कि मुझे महल के बाहर जाना है और संसार को देखना है। तो छंदक सिद्धार्थ को बाहर ले जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं सिद्धार्थ, तो सबसे पहले वो एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक डंडे के सहारे चलते रहता है। सिद्धार्थ ने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ छंदक से पूछते हैं कि छंदक ये किस प्रकार का मनुष्य है, तो छंदक बताते हैं कि प्रभु ये जो आप व्यक्ति देख रहे हो ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये जरा से पीड़ित है, ये अपनी अंतिम अवस्था में आ चुका है। तो वहीं पर सिद्धार्थ ये पूछते हैं कि ये बूढ़ा क्या होता है, ये जरा क्या है। तो छंदक उनको समझाते हैं कि भाई इस संसार में जो कोई भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन क्या होगा, बूढ़ा होगा, और जब बूढ़ा होगा तो उसकी स्थिति इसी व्यक्ति जैसे हो जाएगी। तभी तो आप ये समझ सकते हो कि गौतम बुद्ध ने पहली बार एक बूढ़ा को देखा जब वो 18 से 20 साल की आयु में पहुंचे थे। मतलब सुदोधन ने हर एक प्रयास किया था कि किसी प्रकार का भी दुख की अनुभूति ना हो पाए, किसको, गौतम बुद्ध को। लेकिन गौतम बुद्ध जो कि बिल्कुल मानेंगे नहीं और महल के बाहर जाएंगे और महल के बाहर सबसे पहले वो किसको देखेंगे, एक बूढ़ा को देखेंगे, जिसके बाद उनका पहली बार हृदय परिवर्तित होगा और उनको समझ में आएगा कि मैं भी आने वाले समय में मेरी भी जो स्थिति है वो इस बूढ़े व्यक्ति जैसी हो जाएगी। इसके बाद सिद्धार्थ है वो महल में वापस जाते हैं। अगले दिन वो फिर बाहर जाते हैं अपने सारथी छंदक और अपने घोड़े कंथक के साथ। इस बार उनको एक रोगी व्यक्ति दिखता है,
फिर वो पूछते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, तो छंदक उनको उत्तर देता है कि ये रोगग्रस्त है और संसार में जो कोई भी पैदा वो कभी ना कभी तो वो रोगी होता ही है। उसके बाद वो तीसरे दिन फिर बाहर जाएंगे और तीसरे दिन वो एक शव को देखते हैं और शव को देखने के बाद ये देखते हैं कि शव जा रहा था और पीछे कई लोग रोग आ रहे थे। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि भाई ये क्यों रो रहे हैं और वो व्यक्ति क्यों लेटा है, तो वहां पर छंदक उनको बताएंगे कि वो जो लेटा हुआ जो व्यक्ति वो अब मर चुका है, उसका जीवन का जो सफर वो समाप्त हो चुका है, जो जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मरता ही है। तो इस प्रकार से ये तीन चीज को देखकर गौतम बुद्ध का बहुत ज्यादा हृदय परिवर्तित होता है और उनको दुख की अनुभूति होती है। चौथे दिन गौतम बुद्ध फिर से बाहर निकलते हैं। जब इस बार बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक सन्यासी होता है, वो सन्यासी कई बालकों को पढ़ा रहा होता है और सन्यासी के चेहरे में एक अलग से एक स्माइल देखते हैं, कौन? तो गौतम बुद्ध। तभी गौतम बुद्ध पूछते हैं, छंदक ये क्यों हंस रहे हैं, ये इतना क्यों मतलब खुश है? तो छंदक बताते हैं कि ये सन्यासी है, ये संसार की मोह माया से अपने आप को अलग कर चुके हैं, इनको ना सुख की कामना है ना दुख की कामना है, ये अपने आप को सिर्फ शांति की तलाश में ये निकल पड़े हैं और दुनिया को शांति देने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तभी गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तित होता है और वो एक निर्णायक निर्णय लेते हैं कि आने वाले समय में मेरा जो गति है वो सिर्फ एक ही और जाएगा, वो क्या होगा? सन्यासी। तो इस सन्यासी को देखने के बाद गौतम बुद्ध जो है वो सन्यासी बनने की क्या रखते हैं? चाह रखते हैं। तो इस प्रकार से ये चार वो चीज है जिसको देखने के बाद गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन होता है। पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक रोगी व्यक्ति, तीसरा एक शव और चौथा एक सन्यासी, और अंत में वो ये निर्णय लेते हैं कि उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, वो क्या? तो सन्यासी बनना। तो यहां से ये तय हो जाता है कि गौतम बुद्ध अब क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। और जितना भी जो सुदुदन ने जो प्रयास किया था वो सभी क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा और उसका पुत्र सन्यासी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो होगा ये कि इसी कड़ी में होता ये भी है कि गौतम बुद्ध को अब सब कुछ समझ में आने लगा कि संसार में जन्म लेना भी एक दुख है, क्योंकि जन्म लेते वक्त जब एक बालक जन्म लेता है तो उस दौरान वो रोता है। मतलब हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के तुरंत बाद हम क्या कर रहे हैं? तो रो रहे हैं। मतलब इस संसार में पैदा होना ही सबसे बड़ा क्या है? दुख है। वृद्धावस्था भी एक बहुत बड़ा क्या है? दुख है। रोग भी क्या है? दुख है। मरण भी क्या है? दुख है। तो अथा शक्ति क्या है? दुख है। और जितने भी जो हम संसारिक मोह माया से जो हम फंसे हैं ये एक बंधन है। तो वो अभी सभी चीजों को वो बंधन की तौर पर देखने लगे और हर चीज को वो दुख की ओर में देखने लगे। तभी इसी समय में जब वो महल में ये सोच रहे थे, तभी यशोधरा की जो सहेली वो आती है सिद्धार्थ के पास और बोलती है कि मुबारक हो सिद्धार्थ, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। सिद्धार्थ को यह अनुभव होता है कि मैं फिर से एक नए बंधन में बंधने वाला हूं, इसलिए सिद्धार्थ के मुंह से एक शब्द निकलता है कि ये तो राहु है। और उनकी जो सहेली होती है किनकी? यशोधरा की। उनको सुनाई देता है राहुल और वो जाकर बोलती है यशोधरा को कि मुबारक हो, महाराज ने इस पुत्र का नाम क्या रखा है? राहुल। तो ध्यान दीजिएगा, जो गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। लेकिन राहुल के जन्म के बाद गौतम बुद्ध और ज्यादा क्या होने लगे? दुखी होने लगे, क्योंकि उनको ये समझ में आने लगा कि ये सब कुछ क्या है? तो एक बंधन है और इस बंधन से मुझे मुक्ति चाहिए, और ये मुक्ति तो मुझे तभी मिलेगा जब मैं घर का क्या करूंगा? त्याग करूंगा और संन्यास की ओर जाऊंगा। तो तभी गौतम बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि अब मैं गृह त्याग करूंगा और मैं संन्यास की ओर प्रस्थान होऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध संन्यास लेते हैं। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं और इस फेस को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? गौतम बुद्ध जब त्याग करते हैं, रिनाउंसिएशन, ही उन्होंने रिनाउंस किया अपने किसको? घर को। टू बिकम अ वॉन्डरिंग एस्केटिक, वे एक सन्यासी बनने के लिए अपने घर का क्या करेंगे? त्याग देंगे। कब देंगे? तो जब वो 29 वर्ष की आयु में पहुंचे थे। तो होता यह है कि जिस रात गौतम बुद्ध गृह त्याग कर रहे थे उस रात वो छंदक को बुलाते हैं कंथक के साथ। बताया था छंदक कौन है? तो सारथी, और कंथक कौन है? घोड़ा। वो छंदक और कंथक के साथ गृह को त्याग करते हैं और कपिल वस्तु को त्याग करके वो आगे बढ़ते हैं। आगे में उनको एक गांव मिलता है जिसका नाम था अनुमीय नगर।
उसी अनुमीय नगर में एक नदी बहती थी जिसका नाम था अनोबा नदी। उस अनोबा नदी के किनारे में जो सिद्धार्थ थे उन्होंने अपना पूरा राजकीय वस्त्र को क्या किया, त्याग दिया और सन्यासी वस्त्र को ग्रहण किया। तो सन्यासी वस्त्र को ग्रहण उन्होंने कहां किया, अनुमीय नगर में, और अनुमीय नगर में कहां, तो अनोबा नदी के किनारे। तो मैंने यहां लिख दिया है अनुमीय नगर, और अनुमीय नगर में एक नदी बहती थी, नाम क्या था, अनोबा नदी। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने सन्यासी वस्त्र को ग्रहण किया था, जिसके बाद गौतम बुद्ध अपने कंथक को, अपने छंदक को, अपने सारथी को यह बोला कि छंदक, यहां से तुम्हारा और मेरा सफर समाप्त होता है, अब आने वाला सफर मैं अकेले ही तय करूंगा। और यहां से अकेले ही गौतम बुद्ध जंगलों की रास्ता में चले जाते हैं और सन्यास की ओर बढ़ जाते हैं। अनुमीय नगर के आगे में राजगिरी पड़ता है। जब वो राजगिरी पहुंचते हैं तो राजगिरी में राजगिरी के राजा बिंबिसार मुलाकात करते हैं, किनसे, सिद्धार्थ से। याद रखिएगा, बिंबिसार जो थे वो सिद्धार्थ के बचपन के मित्र थे। बिंबिसार उनको समझाते हैं कि सिद्धार्थ तुम्हारे लिए तो ये भविष्यवाणी की गई है कि तुम आने वाले समय में एक चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, तो तुम क्यों ये संन्यास का रास्ता पकड़ रहे हो। गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ बिंबिसार की बात को सुनते हैं और हंसते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। राजगिरी के पास ही जो वैशाली था उनके बीच में एक आश्रम में वो जाते हैं जो कि महर्षि अलार कलाम का होता है। तो अलार कलाम को वो अपना पहला गुरु बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी और आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। उसी अलार कलाम के आश्रम में गौतम बुद्ध की मुलाकात पांच ब्राह्मणों से होती है। उन पांच ब्राह्मण में पहला ब्राह्मण वही था जिन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि गौतम बुद्ध क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। इसकी मतलब गौतम बुद्ध की गति सिर्फ किस और है, सन्यास की और है। और उनका नाम क्या था, कौंडिल्य। तो कौंडिल्य ब्राह्मण, कौंडिल्य के अलावा असाजी, असाजी के अलावा वप्पा, वप्पा के अलावा भादिया, और भादिया के अलावा महानामा। तो ये पांच कौंडिल्य, ये पांच ब्राह्मण से मुलाकात होता है किनका, सिद्धार्थ का। कहां, अलार कलाम आश्रम में। ध्यान दीजिएगा, महर्षि अलार कलाम सांख्य दर्शन के एक क्या थे, तो गुरु थे। तो वहां पर अलार कलाम आश्रम में वो तपस्या करना चालू करते हैं पांचों ब्राह्मणों के साथ। लेकिन उनको ऐसे लगता है कि उस तपस्या से उनको वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जो उनको किस ओर ले जाए, मोक्ष की ओर। इसके बाद वो अलार कलाम के आश्रम को त्याग करते हैं और आगे बढ़कर वो उद्रक रामपुत्र के आश्रम में जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के दूसरे जो गुरु थे उनका नाम क्या था, उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र के भी आश्रम में सिद्धार्थ और वो पांचों ब्राह्मण कुछ दिन तपस्या करते हैं। फिर उस आश्रम को भी वो त्याग करके राजगिरी के आगे गया की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय गया एक वन था जिसका नाम था उरुवेला वन। तो गया का जो प्राचीन नाम क्या था, उरुवेला वन। उसी उरुवेला वन में ये पांचों ब्राह्मणों के साथ पहुंचते हैं और फिर वो पांच ब्राह्मण गौतम बुद्ध को बोलते हैं, सिद्धार्थ को बोलते हैं कि हम यहीं पर क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको कम से कम 12 साल का क्या करना होगा, कठोर तपस्या करना होगा। तो सिद्धार्थ उसी जंगल में 12 साल के लिए कठोर तपस्या करना क्या कर दिए, चालू कर दिए। और उस तपस्या में वो ये प्रयास किए कि वो ना खाना खाएंगे ना जल पिएंगे। होता ये है कि वो दिन वो तपस्या करते रहते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि तपस्या करते 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 उनके शरीर में जितने भी जो मांसपेशियां थी वो पिघल जाती है, उनके शरीर में सिर्फ हड्डी मात्र क्या होती है, वो दिखते रहती है। मतलब गौतम बुद्ध की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। एक दिन गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे, गौतम बुद्ध के सामने में एक वीणा वादक था। वो वीणा बजाने की कोशिश कर रहा था, वो बार बार वीणा के तार को कसता था या तो वीणा के तार को ढीला छोड़ देता था। जब वीणा के तार को वो ज्यादा कस देता था तो वीणा का तार टूट जाता था, और जब वीणा के तार को ढीला छोड़ता था तो वीणा से कोई संगीत नहीं निकलता था। तो हुआ ये कि जब वो वीणा वादक वीणा बजाने की प्रयास कर रहा था, तभी वहीं से सामने से कुछ नाचने वाली महिला वहां से गुजरती है। अब वो महिला ये गाना गाती है कि वीणा के तार को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वो बजेगा नहीं, और ज्यादा कसो नहीं, नहीं तो वो टूट जाएगा। ये शब्द गौतम बुद्ध के कान में पड़ता है और गौतम बुद्ध को समझ में आता है कि वीणा के तार मेरे तपस्या जैसा है। अगर मैं ज्यादा तपस्या करूंगा अर्थात वीणा के तार को ज्यादा कसूंगा तो वीणा का तार टूट जाएगा। मतलब अगर मैं ज्यादा तपस्या करूंगा तो मेरा शरीर टूट जाएगा, मैं मृत हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और
अगर मैं कम तपस्या करूंगा अर्थात वीणा के तार को अगर मैं ढीला छोड़ूंगा तो संगीत नहीं निकलेगा, मतलब अगर मैं कम तपस्या करूंगा तो मुझे किसी प्रकार के ज्ञान नहीं मिलेगी, तो अर्थात मुझे बीच का मार्ग चुनना होगा, मतलब जो मैं 12 वर्ष का जो सोचा हूं तपस्या करने का, तो 12 वर्ष ना तपस्या करके मैं 6 वर्ष तक ही क्या करूं, तपस्या करूं और मध्यम मार्ग का क्या करूं, पालन करूं। तो गौतम बुद्ध यहां से मध्यम मार्ग को पकड़ते हैं और इसी क्षण उन्हीं के सामने एक महिला आती है जिनका नाम था सुजाता। ऐसे कहा जाता है कि सुजाता ने उसी समय एक पुत्र को जन्म दी थी और वे सभी ऋषियों को वो खाना खिला रही थी, वो राइस पुडिंग खिला रही थी, खीर खिला रही थी। तो सुजाता इनके सामने आती है और इनको खीर देती है और गौतम बुद्ध तुरंत ही उस खीर को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे ही गौतम बुद्ध उस खीर को खाते हैं तो पांचों कौंडिल्य ब्राह्मण गौतम बुद्ध के सामने आते हैं और गौतम बुद्ध को बोलते हैं कि सिद्धार्थ तुम पथभ्रष्ट हो, तुम कभी भी तपस्या नहीं कर सकते, तुम्हें किसी प्रकार के भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धार्थ उनकी बातों को नहीं सुनता और सिद्धार्थ वहां से मध्यम मार्ग का पालन करके वो अपने हिसाब से अब यहां पर तपस्या करना क्या करते हैं, चालू कर देते हैं। मतलब उनका ये सोच हो गया कि ना ज्यादा दुख और ना ज्यादा सुख, मुझे किस रास्ते जाना है तो मध्यम मार्ग की ओर जाना है, और इसी साथ वो तपस्या करते रहेंगे। और एक दिन वो पीपल पेड़ के नीचे जब वो तपस्या करेंगे, एक पीपल पेड़ था उरुविला वन में जो कि एक नदी किनारे था, इसका नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहा गया है, पुनपुन नदी भी कहा गया है। तो निरंजना नदी के किनारे में, उसी पुनपुन नदी किनारे में, उसी फाल्गु नदी किनारे में, उसी लीलाजल नदी के किनारे में, पीपल पेड़ के नीचे में 6 वर्ष के पश्चात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस ज्ञान को हम बोलते हैं क्या, तो निर्वाण ज्ञान। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्षों की तपस्या के बाद होती है। किस पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, किस नदी किनारे, निरंजना नदी किनारे, किस जंगल में, उरुवेला जंगल में। ध्यान दीजिएगा, जब उनको निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको हमने बोलना चालू किया क्या, बुद्ध। और जब वो 49 दिन फिर और तपस्या करेंगे तो 49 दिन और तपस्या करने के बाद उनको हम कहना चालू किए क्या, तथागत। तो यहां से तथागत कहलाना चालू हुए कौन, तो सिद्धार्थ। तो अब यहां सिद्धार्थ ना बोलकर हम उनको क्या बोलेंगे, गौतम बुद्ध या तथागत। और इस फेस को हम बोलते हैं संबोधि। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म का जो पहला फेस था उसका सिंबल होता है लोटस, कमल और बैल, लोटस एंड बुल। महाभिनिष्क्रमण मतलब रिनंसिएशन, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसका जो प्रतीक था, उसका जो सिंबल था, उसको है वो क्या है, तो घोड़ा है। और संबोधि, जिस समय उनको निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका जो प्रतीक है वो क्या है, तो बौद्धि वृक्ष अर्थात पीपल पेड़। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 वर्षों के पश्चात। अब हम यहां पर ये ध्यान देंगे थोड़ा स्टॉप होकर कि अब यहां से इतने कहानी से हमारे क्या क्या प्रश्न, यहां पर प्रश्न हमारा बनता है। पहला, अगर आपसे कभी ये पूछे कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो बताइए 563 BC। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, तो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन। गौतम बुद्ध जो है उनके पिता का नाम क्या था, तो सुदोधन। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया। गौतम बुद्ध की वी माता अर्थात उनकी पालन पोषण करने वाले कौन है, उनकी मौसी प्रजावती गौतमी। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई कौन थे, देवदत्त। गौतम जो सिद्धार्थ थे या जो गौतम बुद्ध थे उनके सौतेले भाई बहन कौन है, तो नंद और नंदा। गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी करने वाले कि वो बुद्ध बनने वाले वो कौन थे, तो महर्षि असित। वो ऐसा भविष्यवाणी करने वाला कि जो ये सन्यासी बनेंगे वो कौन है, तो कौंडिल्य ब्राह्मण। इसके अलावा गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा। कितने वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, 16 वर्ष की आयु में। यशोधरा का अन्य नाम क्या है, बिंबा और गोपा। गौतम बुद्ध ने का हृदय परिवर्तन किस चार दृश्य को देखकर हुआ, तो पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा रोगी व्यक्ति, तीसरा सर्व और चौथा सन्यासी। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल। गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध को किस वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 वर्ष की आयु में। कितने दिन इन्होंने तपस्या किया, 6 वर्ष। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोधि वृक्ष पीपल पेड़। किस नदी किनारे, निरंजना।
उनका अन्य नाम क्या है? फाल्गु नदी, पुनपुन नदी और लीलाजल नदी। इसके अलावा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और बैल। गौतम बुद्ध का गृह त्याग का जो सिंबल वो क्या है? तो घोड़ा। और निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति का सिंबल क्या है? तो बोधि वृक्ष है। तो ये सब आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा अगर हम ये कहानी के माध्यम से इस इतिहास को पढ़ेंगे। अब मैं इसी इतिहास को आगे बढ़ा और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आपके आने वाले जितने भी जो एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो व्यापम हो, सभी में एक ना एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। तो ये मेरा इस वीडियो का ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट मैं कल लेके आऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना जो धर्म उपदेश है वो कहाँ दिया, अपने धर्म के संघ का निर्माण उन्होंने कहाँ किया, कौन कौन उनके शिष्य बने, उनका निधन कैसे हुआ, उनके दर्शन क्या है, बौद्ध ग्रंथ क्या है, वो बौद्ध संगीति क्या है। तो ये सब विषय को लेकर मैं कल एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। ये कारण ये है ताकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो पाए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो काफी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरीके से मेरे YouTube चैनल से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। टिल देन धन्यवाद।